अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सलमान, योर होस्ट, एंड यू आर वाचिंग यू मी एंड टेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे हम लोग फोटोशॉप के अंदर टाइपोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे टेक्स्ट के अंदर अपनी इमेज की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। अगर आप लोग इस ट्रिक को अप्लाई करना चाहें अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग करने के लिए, तो आप ये ट्रिक बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आपको किसी भी इमेज के अंदर ये ट्रिक लगाना है, बेसिकली ये जो ट्रिक है ये मैगजीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस ट्रिक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कैसा क्या तरीका है इसको अप्लाई करने का। जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वो काइंडली मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी तरीके से मिलता रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक इमेज है जिसके ऊपर आज हम काम करेंगे। ये एक रैंडम सी मैंने एक इमेज ले ली है। तो आप किसी भी इमेज पे ये वाला ट्रिक सेम इसी रूल्स को फॉलो करते हुए अप्लाई करेंगे तो आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जो इसके मैं फाइनल में आपको एंड पे जो आपको रिज़ल्ट शो होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज की मैं कॉपी ले लूँगा, जिसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। इसकी कॉपी लेने के बाद इस इमेज को मैं हाइड कर दूंगा। ये इमेज की हमें ज़रूरत नहीं है, ये फॉर द सेक ऑफ के अगर कोई, ये कॉपी सिर्फ इसलिए ली गई है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो हम दोबारा से इसको हम कंटिन्यू कर सकें, इस इमेज को यहाँ से उठा के। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी इस इमेज की सिलेक्शन ले लेंगे, जो कि हम लेंगे क्विक सिलेक्शन टूल से। तो मैं फटाफट से इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो ये मैंने इसकी एक सिलेक्शन बना ली है अपने इस ऑब्जेक्ट की। ये नो डाउट फुल फिनिशिंग में नहीं है, लेकिन एक सिलेक्शन बन चुकी है। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये ट्रिक कैसे आपने अप्लाई करना है। आप लोगों ने इसी तरह अपने किसी भी सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना लेनी है, आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस पर मास्क लगा देना। मास्क लगाने से क्या होगा कि आपका जो ये सिलेक्टेड एरिया है वो बाहर आ जाएगा और जो अनसेलेक्टेड एरिया है वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने इस मास्क पे क्लिक करना है। जो लोग CS6 का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं उधर आए, यहाँ पे आएगा रिफाइन मास्क, और जो लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं CC वर्जन 2019 यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे रिफाइन मास्क का बट ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पे रिफाइन एजेस का या समथिंग एल्स कोई भी ऑप्शन हो सकती है, इसी तरह की रिफाइन होगा उसके अंदर। तो ये आप माइंड में रखेंगे, रिफाइन की ऑप्शन होगी, आपने उस पर क्लिक कर देना। इस तरह का एक बॉक्स पॉपअप हो जाएगा आपके सामने। आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने अपना इसका रेडियस जो इमेज का है वो आप लोगों ने सबसे पहले वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा जैसे जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि इस पर हम क्या करने के लगे हैं। रेडियस पर आपने देख लेना कि कहाँ तक ज़्यादा बेहतर आप लोगों को फील करा रहा है रेडियस, जिसके अंदर थोड़ी सी नेचुरल लुक आ जाए। स्मूथनेस इसकी हम कर लेते हैं इतनी कि बस ठीक ही लगे। फीदर हम इसका नॉर्मल रखेंगे ऑब्वियसली, कॉन्ट्रास्ट इसका हम ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। हमारी जो इमेज है वो उसके अंदर हमें ये जो एजेस हैं ये यहाँ पे कुछ बेहतर लग रहे हैं मुझे, तो ये एक ठीक है। मतलब फॉर द सेक ऑफ योर ट्रेनिंग इट्स अ गुड कटिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो मूविंग ऑन करते हैं हम, इंशाल्लाह आगे चल रहे हैं। कटिंग हो गई है हमारे उस ऑब्जेक्ट की, और फर्दर अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने अपना टेक्स्ट ऐड करना है इस इमेज के ऊपर, जो कि हम टाइपोग्राफी के अंदर मतलब मैनिपुलेशन कर देंगे इस इमेज की उस टेक्स्ट के अंदर। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम टेक्स्ट की एक लेयर बना लेंगे और कोशिश करेंगे टेक्स्ट वर्टिकल, मैं वर्टिकल यूज़ कर रहा हूँ, आप इसे हॉरिजेंटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स आप अपनी मर्ज़ी के यूज़ कर सकते हैं, कोशिश करें बोल्ड फॉन्ट जो वो यूज़ करें आप, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने बोल्ड फॉन्ट यूज़ नहीं करना तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप बोल्ड फॉन्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब आप देख लें कि आप लोगों ने कुछ इस तरह करके इनकी साइजिंग कर लेनी है, ठीक है। और एक चीज़
आप लोगों ने एक बैकग्राउंड लेयर बना लेनी है, जिसको आपने अपनी इस लेयर के नीचे ड्रॉप कर देना है। और उसका बैकग्राउंड आप कोई भी कलर रख सकते हैं, मैं प्रेफर वाइट करूँगा आपको, लेकिन आप लोग जो भी चाहें वो कलर रख सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करें कि इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लें अपनी इस इमेज को, जैसे कि ये, ठीक है। और थोड़ा सा इसे मैं और मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं अपना टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी करूँगा, इसको मैं मूव कर रहा हूँ इसके ऊपर ले आएँ, ज़्यादा बेहतर है। इसे साइज़ थोड़ा सा इसका मैं बेहतर कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने एक डिस्टेंस ऐसा मेंटेन करना है अपने सब्जेक्ट के अंदर और अपनी टेक्स्ट के अंदर कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने ये टेक्स्ट आ चुका है, और अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हमने जब हम इन दोनों को इनकी एक डायमेंशन दे देंगे, इनको हम सेट कर लेंगे इनके साइज़ के हिसाब से, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से मेक श्योर करेंगे हमारा मास्क सिलेक्टेड है। यहाँ से आगे हम अपना ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेक श्योर कर लेना आपने कि इधर ब्लैक कलर हो आपके कलर पैलेट में, और यहाँ से आके इसकी जो हार्डनेस है वो 100% होनी चाहिए। अब जो हिस्सा इमेज का आपके टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, आपने उसे उस पर ब्रश मार देना, ठीक है। ये आप देख रहे हैं अंदाजन, जो आपका बेस्ट आइडिया लगता है उस हिसाब से आप इस पर ये ब्रशिंग कर देंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ये आप देख रहे हैं ये सारी की सारी मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ, नो मैटर व्हाट बाहर क्या है। आपने अपने टेक्स्ट को फ्री करना है इस इमेज से, तो उसके लिए आप ऐसे ब्रश यूज़ कर लेंगे अपनी इमेज के ऊपर अच्छे तरीके से। ऑब्वियसली आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग ज़रा साफ़ सुथरे तरीके से करने की कोशिश करना, रिज़ल्ट इसका भी बहुत गंदा नहीं आएगा, अच्छा ही आएगा। जब आपका टेक्स्ट इस फॉर्म में आ जाएगा, आपने उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और कंट्रोल प्रेस करके आपने टी पे आके एक दफ़ा क्लिक करना है, आपके पास इसकी सिलेक्शन आ जाएगी। सिलेक्शन आने के बाद आपने सेलेक्ट में आ जाना है, सिलेक्ट में आने के बाद आपने आ जाना है मॉडिफाई में, मॉडिफाई में आके आपने आना है एक्सपैंड में। अब बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 10-15 तक आप कर सकते हैं, 10 से 15 पिक्सल्स का एक्सपैंड हम रख सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, तो मेरे ख्याल से 13 पिक्सल्स मोर देन इनफ है, तो मैं 13 पिक्सल्स पे ही सेटिस्फाई करके इसे एंटर कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे टेक्स्ट के इर्द गिर्द एक सिलेक्शन आ चुकी है जो कि टेक्स्ट के ऊपर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करूँगा। अब ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करने से ये जो सारा मेरा टेक्स्ट है ये वाइट हो चुका है, जिसकी मतलब ओवरलाइन कह सकते हैं, स्ट्रोक कह सकते हैं टेक्स्ट की जो है वो वाइट हो गई है। अब मैं इसे कंट्रोल प्लस डी से डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। डी सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इस लेयर की एक कॉपी ले लूँगा कंट्रोल जे से। इस कॉपी को मैं इस टेक्स्ट के ऊपर जो कि टाइपोग्राफी हमारा टेक्स्ट है इसके ऊपर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, इसका जो मैंने लेयर मास्क है इस पर मैंने एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है और डिलीट लेयर मास्क कर देना है। डिलीट लेयर मास्क करने के बाद आपने इस लेयर पर क्लिक करना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है। क्लिपिंग मास्क क्रिएट करने के बाद अब आप देख सकते हैं जो आपका टाइपोग्राफिक टेक्स्ट है, ठीक है, वो इस फॉर्म में आ गया कि वो मर्ज हो चुका है आपकी इमेज के अंदर, या आपकी इमेज टेक्स्ट के अंदर और आपका टेक्स्ट आपकी इमेज के अंदर मर्ज हो चुका है। और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अपीलिंग लगता है, और बड़ा मज़ेदार ट्रिक है। आप लोग अपने नाम, अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स जो हैं वो इस तरह अपने नाम के साथ बना के अपने अपलोड कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और मुझे लाजमी शेयर करें अपने अपने थॉट्स कि आपको कैसी लगी है वीडियो। तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के पास जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई एम योर होस्ट मोहम्मद सलमान, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हेयर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।